सुनाओ तुमको कहानी, आओ सुनाओ तुमको कहानी सत्य पुरुष अवतार की, आओ सुनाओ तुमको कहानी सद्गुरु कबीर अवतार की, निर्गुण निराकार की, आओ सुनाओ तुमको कहानी सत्य पुरुष अवतार की, आओ सुनाओ तुमको कहानी सद्गुरु कबीर अवतार की, निर्गुण निराकार की, आओ सुनाओ तुमको कहानी। एक तकी ने सद्गुरु को परखने का विचार किया, दफनाई हुई अपनी पुत्री को जिंदा करने को कहा, कब्रगाह में सद्गुरु जी जब कब्र के पास में आए, शेख तकी की पुत्री उठो उस कब्र से फिर वो बोले, सद्गुरु के इन वचनों का, सद्गुरु के इन वचनों का कोई ना फर्क पड़ा जी, आओ सुनाओ तुमको कहानी सद्गुरु कबीर अवतार की, निर्गुण निराकार की, आओ सुनाओ तुमको कहानी। सद्गुरु ने फिर कहा, ऐ कबीर की पुत्री तुम उठो, नींद से जागो और कब्र से बाहर तुम आ जाओ, इतना कहते ही सद्गुरु के वो लड़की उठ गई, सामने देख के सद्गुरु को चरणों में झुक गई, सद्गुरु के इस पुत्री का, सद्गुरु के इस पुत्री का कमाली नाम पड़ा जी, आओ सुनाओ तुमको कहानी सद्गुरु कबीर अवतार की, निर्गुण निराकार की, आओ सुनाओ तुमको कहानी। उड़ीसा के राजा इंद्र दमन को एक दिन ऐसा स्वप्न आया, जगन्नाथ का मंदिर बनवाने का देव आदेश आया, स्वप्न में कहे गए अनुसार उसने मंदिर बनवाया, तीन बार जब सागर ने उस मंदिर को बहाया, हार के राजन बंद किया, थक
हार के राजा ने बंद किया मंदिर निर्माण का कार्य। आओ सुनाओ तुमको कहानी सदगुरु कबीर अवतार की, निर्गुण निराकार की। आओ सुनाओ तुमको कहानी। जगन्नाथ का मंदिर फिर बनवान कौन से बोले, कुबड़ी गाड़ के बैठ गए सदगुरु सागर के आगे। लाख प्रयत्न सागर ने किया पर बढ़ सका ना आगे। गुरु के कहने पर सागर ने, गुरु के कहने पर सागर ने मंदिर बनने दिया जी। आओ सुनाओ तुमको कहानी सदगुरु कबीर अवतार की, निर्गुण निराकार की। आओ सुनाओ तुमको कहानी। गोरखनाथ जी उस समय के बड़े अभिमानी योगी थे, अभिमान ना करने को सदगुरु जी उनसे बोले थे। त्रिशूल के नोक पे बैठ के गोरखनाथ जी ने कहा, मेरे बराबर आकर बैठो साहेब जी से कहा। धागे के नोक पे बैठ गुरु ने, धागे के नोक पे बैठ गुरु ने दूर अभिमान उसका किया जी। आओ सुनाओ तुमको कहानी सतगुरु कबीर अवतार की, निर्गुण निराकार की। आओ सुनाओ तुमको कहानी। गोरखनाथ जी ने सदगुरु को फिर से ये कहा, ढूंढ के दिखलाओ तुम मुझको गंगा नदी में कहा। गंगा नदी में गोरखनाथ एक मच्छ बन गया, सदगुरु ने ढूंढ लिया फिर उनसे ये कहा। ढूंढ के दिखलाओ तो जानो, दिखलाओ तो जानो मुझको गोरखनाथ जी। आओ सुनाओ तुमको कहानी सदगुरु कबीर अवतार की, निर्गुण निराकार की। आओ सुनाओ तुमको कहानी।
गंगा नदी के जल में उतर सदगुरु जी पानी बन गए। ढूंढते ढूंढते सदगुरु को गोरखनाथ जी थक गए। थक हार के गोरखनाथ ने सदगुरु से कहा, हार गया मैं सदगुरु, मैंने ये स्वीकार किया। किसी बात का कभी अभिमान न करना, किसी बात का कभी अभिमान न करना। गुरु ने उनसे कहा, जी आओ सुनाओ तुमको कहानी सदगुरु कबीर अवतार की, गुरु गुरु निराकार की। आओ सुनाओ तुमको कहानी। पर उन्हें झूठा परे भी कहता था, चक्की चलाने की दे सजा उन्हें जेलों में डाल देता था। पहुंच गए तत्काल सदगुरु, पहुंच गए तत्काल सदगुरु बादशाह के समीप जी। आओ सुनाओ तुमको कहानी सदगुरु कबीर अवतार, वरदान मांगने को कही।
व्रत होने पर मांगूंगा, जरूरत होने पर मांगूंगा। गुरु ने उनसे कहा, जी आओ सुनाओ तुमको कहानी सदगुरु कबीर अवतार की, निर्गुण निराकार की। आओ सुनाओ तुमको कहानी। षड्यंत्र रचा साहिब कबीर के नाम से, भंडारे का न्योता दिया। सदगुरु जी षड्यंत्र को तत्काल ही जान गए, लक्ष्मी जी को करने व्यवस्था भंडारे का भूल गए। 15 दिनों तक चलता रहा, 15 दिनों तक चलता रहा भंडारा सदगुरु जी की। आओ सुनाओ तुमको कहानी सदगुरु कबीर अवतार की, निर्गुण निराकार की। आओ सुनाओ तुमको कहानी। के धर्मदास जी रहते थे, शालिग्राम भगवान की वो उपासना करते थे। एक दिन भोग बनाते वक्त उन्होंने चूल्हे को देखा, एक लकड़ी से निकलती हुई चिट्ठियों को जलते देखा। भोग लगाने लायक भोजन, लगाने लायक भोजन उचित ना लगा जी। आओ सुनाओ तुमको कहानी सदगुरु कबीर अवतार की, निर्गुण निराकार की। आओ सुनाओ तुमको कहानी सत्य पुरुष अवतार की, आओ सुनाओ तुमको कहानी सदगुरु कबीर अवतार की, निर्गुण निराकार की। सदगुरु कबीर अवतार की, निर्गुण निराकार की। सदगुरु कबीर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।